प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, बढ़ती ठंड से कहीं जमी बर्फ तो कहीं छाया कोहरा, लोग ले रहे अलाव का सहारा। कोरिया में हड़ताल खत्म होते ही रात ही अवैध रेत खनन माफियाओं ने डाला डेरा, रेत ठेकेदारों की मशीनें और 5 ट्रक किए जब्त, आम आदमी पार्टी और ग्रामीण रहे मोदी। सतना के प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह पहुंचे जिला अस्पताल, वेंटिलेटर बंद होने पर जताई नाराजगी, जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। पुष्पराजगढ़ में नसबंदी ऑपरेशन कैंप के दौरान सामने आई बड़ी लापरवाही, एक दिन में 51 महिलाओं को बुलाया अस्पताल में, सिर्फ 30 बेड, सर्जन भी नहीं है समय पर। और राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में खबर भारत की खबर का हुआ असर, बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉलेशन का काम हुआ चालू, एक महीने के अंदर सीएमएचओ ने शुरू होने के दिए आदेश। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरिया के कोटाडोल में अवैध रेत उत्खनन का मामला सामने आया है, जहां रेत ठेकेदारों के आदमी फिर रेत परिवहन पहुंचे। जानकारी लगते ही आम आदमी पार्टी और ग्रामीण रेत खदान पहुंचे और ग्रामीणों एवं ठेकेदारों के आदमी के बीच विवाद हो गया। मामला बढ़ता देख तहसीलदार व थानेदार भी मौके पर पहुंच गए। विवाद काफी देर तक चला। आम आदमी पार्टी और ग्रामीण के विरोध के कारण प्रशासन ने रेत माफियाओं के ट्रक और पोकलेन मशीन जब्त कर कार्रवाई शुरू की, तब जाकर मामला शांत हुआ। नरसिंहगढ़ में कई दिन बीत जाने के बाद भी नरसिंहगढ़ ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉलेशन का काम पूरा नहीं हो पाया था, जिसको लेकर दो दिन पहले खबर भारत ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसको लेकर राजगढ़ सीएमएचओ डॉक्टर यदु वहां पहुंचे और ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेकर काम चालू करवाया। वहीं डॉक्टर यदु ने बताया कि लगभग एक माह में ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएगा। सर, लगभग एक महीने से ज़्यादा बीत गया सर, इतना समय ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉलेशन में क्यों लगा सर? वो इसलिए लगा कि हम पहले लाइन शिफ्ट कराने की सोच रहे थे जी, लेकिन अब वो जरूरी लग रहा है, इसलिए हमको दूसरी जगह चुन के हमने यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर। अब ये तो ठेकेदार के ऊपर है, वैसे 15 दिन का समय है, बदले में कॉन्क्रीट का काम है, 15 दिन में कम्प्लीट हो जाए। कुछ जो फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं जो वरिष्ठों के हाथ में रहते हैं, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसी कारण वर्तमान में प्लांट का कार्य शुरू नहीं किया। सर, लगभग कितने दिनों में चालू होने की उम्मीद है? उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में एमपीवी द्वारा अपना कार्य कर लिया जाएगा एवं उसके बाद फिर सिविल वर्क चालू हो जाएगा। 8 दिन से 10 दिन का समय वो लगेगा, उसके बाद फिर उम्मीद है कि प्लांट अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। प्रदेश के वन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह एक दिवसीय प्रवास पर सतना पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर सीएमएचओ और सीएस के ऊपर नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई और 2 दिन में सभी वेंटिलेटर चालू करने सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसमें ये रूम वगैरह बहुत अच्छा है और
के जो गवर्नमेंट डॉक्टर है वो समय सीमा में हमारे यहाँ बैठे और समय सीमा में यहाँ से जाए, ये देखने का काम हमारा है। बाकी हॉस्पिटल वर्तमान में कोविड की तीसरी लहर के कारण जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद होना चाहिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट, जनरेटर और साफ सफाई से लेकर बेड्स, जो हमारी जवाबदारी बेसिक थी वो हम लोगों ने देखी और हम उससे काफ़ी संतुष्ट भी हैं। और हमारे खुशी की बात ये है कि एक भी पेशेंट हमारे ज़िले में कोविड का नहीं है, और इसलिए अभी फिलहाल मैं जी कुछ कह डॉक्टर जी से बात। सर, ये एक पार्ट है सिटी स्कैन, जो कोविड में एक अहम पार्ट है, तो उसको लेकर क्या तैयारी? सिटी स्कैन यहाँ पर प्राइवेट कुछ एजेंसियों के माध्यम से कर रहे हैं, वो दो दिन में ठीक हो जाएगा। अभी जो ऐसे मरीज हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनको आवश्यकता है, हमने निर्देश दिए हैं कि प्राइवेट अस्पताल में उस रेट पर उनसे दो दिन कराया जाए, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो अभी जैसे बच्ची भी थी उसका पैसा जिला प्रशासन दे। पुष्पराजगढ़ के महिला पुरुष नसबंदी ऑपरेशन कैंप में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां शाम 6 बजे तक नसबंदी ऑपरेशन करने वाले सर्जन नहीं पहुंचे। अस्पताल प्रबंधन एक दिन में 51 महिला हितग्राहियों के ऑपरेशन की तैयारी में जुटा है, जबकि अस्पताल में 30 बेड हैं। ऐसे में कैसे 51 महिलाओं की नसबंदी करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस अनुसार एक दिन में 30 से ज्यादा नसबंदी ऑपरेशन नहीं करना है, फिर भी लापरवाही की जा रही है। सुबह से हितग्राही और उनके परिजन छोटे छोटे बच्चों के साथ परेशान हो रहे हैं, और सर्जन नहीं पहुंचने पर तनाव का माहौल बना हुआ है। क्यों यहाँ रोके हुए, क्यों चले जाए हम? आप कर रहे हो, आप अपने पैसे कर रहे हो, प्रशासन बुलाया है, आप क्यों बुलाए? बिना 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 वो दिए क्यों बुलाए? कितने लोगों की यहाँ होनी है सर जी? कितने लोगों की यहाँ होनी है बताइए आप, कितने की लिमिटेड है, कितने क्या होनी है? आप देखिए, क्या सबका हो जाएगा आज की डेट में? सबको क्लियर कर देंगे? क्यों क्यों ऐसे नहीं किए? क्यों इतने पब्लिक भीड़ जमा कर लिए हो? जो लिमिट है वो करवाइए आप, क्यों इतने हजारों पब्लिक को बुला लिए? पठारी क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में कड़कड़ाती ठंड ने दस्तक दे दी है। वहीं सुबह बर्फ से पुष्पराजगढ़ क्षेत्र का पठारी मैदान ढका रहा, धूप निकलने के बाद भी घंटों बर्फ जमी रही। झुग्गी झोपड़ी में पन्नी लगाकर रहने वालों की पन्नियों में बर्फ देखी गई, वहीं लोगों ने ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेना शुरू कर लिया और स्थानीय प्रशासन से अलाव की मांग भी की। द्वारा एक बार फिर नए कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें कृष्णा देवी को प्रदेश प्रवक्ता, परगट सिंह को संगठन मंत्री और करतार सिंह को जिला ग्रामीण अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा देवी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता किसानों के हक की लड़ाई लड़ना है, वहीं डबरा की मंडी में फैली अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, चाहे वह मल्हार की समस्या हो या आड़त की समस्या। मैं अपने संगठन के साथ मिलकर किसानों को हो रही समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगी। ये अभी कल हमारे नवनियुक्त संगठन नियुक्त किया है, उससे संबंधित प्रेस वार्ता रखी। क्या क्या विचार विमर्श हुए? विचार विमर्श सबसे पहले तो अभी जो सफलता मिली है उससे संबंधित जो फतेह मोर्चा निकालने के विचार में आपस में एडजस्टमेंट किया जा रहा था, और बाकी आगे जो किसानों का विचार विमर्श मंडी को लेकर के कर रहे थे। यहाँ पे अभी नई कार्यकारिणी भारतीय किसान यूनियन की बनी हुई है, हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ पर हैं, और किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हम लोग विचार विमर्श यहाँ कर रहे हैं। यहाँ जो कल जो कार्यकारिणी गठन हुआ है तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, तो हमारे जैसे अभी दीदी ने बताया मुद्दे जो यहाँ संगठन बना तैयार हुआ है डबरा में,
इसकी अहम भूमिका जो तीन कृषि कानून तो थे जो वापसी हो चुके हैं, अभी हमारा MSP का जो रह गया एक तो वो, बाकी यहाँ जो लोकल में जो किसानों के आम मुद्दे होंगे, भारतीय किसान यूनियन हर किसान के साथ खड़ी है, जैसे लाइट का मुद्दा, पानी का मुद्दा, नहर का मुद्दा, मंडी का मुद्दा, मल्हार का मुद्दा जो चल रहा है, व्यापारी का मुद्दा, आर्थ का मुद्दा, तो ये भारतीय किसान यूनियन एक टीम गठित करेगी। अभी हमारी जो कार्यकारिणी में सब वरिष्ठ लोग हैं, इसके आगे युवा की टीम भी बनेगी। बाहरी जिले से जिले में बिकने आए ज्वार से भरे ट्रक को गोदाम के अंदर खाली होते समय डबरा SDM ने जब्त किया है। साथ ही गोदाम में दो ट्रैक्टर ट्राली भी खाली खड़े हुए पाए गए, जिससे जाहिर होता है कि बाहरी जिले से आया ज्वार से भरा हुआ ट्रक ग्वालियर जिले के डबरा के उपार्जन केंद्रों पर बिकने के लिए मंगाया गया था, जिसको SDM प्रदीप कुमार शर्मा ने जब्त कर कृषि उपज मंडी परिसर में खड़ा करवा दिया है और ज्वार से भरे हुए गोदाम को सील कर दिया है। ये अभी जानकारी मिली जिसमें ये गुना से धान आने, गुना से ये ज्वार आने की सूचना मिली है, तो मैं इंस्पेक्टर लेके आया हूँ और यहाँ पे इसकी चेकिंग कर रहे हैं और ऐसी संभावना लग रही है कि ये भी ज्वार बिकने के लिए आई है सब सोसाइटी में। गोदाम में सर पहले से भी स्टॉक है? हाँ, तो उसको सबकी जाँच करेंगे और पहले ये तो प्रत्यक्ष रूप से ही दिख रहा है, पहले इस पर कार्रवाई करते हैं, गोदाम पर अलग मंडी से जांच करा के कार्रवाई कराएगी। गोदाम के अंदर दो ट्रॉलियां भी रखी हुई हैं। हाँ, गोदाम के अंदर दिख रही हैं, दो ट्रॉलियां भी रखी हुई हैं, अब उसके बारे में भी जांच करते हैं कि इसे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये इस कार्य के लिए उपयोग में आती होंगी। परिसर किसका है और इसकी क्या कैसे जांच? ये परिसर की हुई जांच कर रहे हैं, अभी हम लोग आए हैं, अभी पता नहीं पाया जाता है तो किस तरीके की, तो अभी जो चार प्रकरणों में कार्रवाई की उसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी पुलिस थाने में। और रायपुर के सरकारी फिजियोथेरेपी कॉलेज के छात्र पिछले 3 दिनों से अपनी पुरानी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। छात्र अपने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि पिछले 19 वर्षों से कॉलेज का मैन पावर के साथ चलाया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर छात्र स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के बंगले पर जाने के लिए निकले, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया गया और मंत्री द्वारा उन्हें एक प्रतिनिधि भेजकर बात करने को कहा गया। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर एक पत्र भी स्वास्थ्य मंत्री को भेजा जो कि छात्रों के खून से लिखा हुआ था। इस पर भी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, उसे देखकर आज छात्रों ने स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का पुतला दहन किया और नारे लगाकर सरकार के प्रति अपना रोष जताया। कॉलेज को ले, बुनियादी सुविधा आपको देना चाहिए, 20 वर्ष से आप नहीं दे पाए हो, अभी दे सकते हैं, मौका है, लेकिन कॉलेज को बंद करने का यह कायरता वाला बयान स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिया है बिल्कुल गलत है। सुजालपुर की सामाजिक संस्थान नेकी की दीवार ने रानी सोनी का जन्मदिन आनंद उत्सव के रूप में मनाया। इस समाज सेवी संस्था किसी का जन्मदिन हो, पुण्यतिथि हो या फिर किसी वैवाहिक वर्षगांठ
उसे बस्ती के गरीब बच्चों को प्यार और व्यंजन बांटते हुए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाती है। छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट से संस्था सदस्यों को खुशी मिलती है। सराहनीय कार्य में संस्था की ग्रीष्मा शाह, वीणा गोयल और अन्य सदस्यों का सहयोग रहा। बेंगलुरु में आयोजित इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपो इलेक्ट्रॉनिक 2021 में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दतियागांव की प्रेरणा से एसवीटीवी टेक्नोलॉजी बदनावर एवं नियंता ग्रुप टेक्नोलॉजी के बदनावर क्षेत्र के युवा उद्यमी प्रवीण चावला, शैलेंद्र परमार, हरिओम धाकड़, जितेंद्र पाटीदार आदि ने अपनी पूरी टेक्निकल टीम के साथ विजिट की, जहां कई देशों से आई बड़ी बड़ी कंपनियों की नवीन तकनीकियों को सीखने समझने का अवसर प्राप्त किया, जहां रोबोटिक, लेजर टेक्नोलॉजी, पीसीबी, आईटी कंपनी और भी कई कंपनियां आईं। अनूपपुर जिले के शहरी क्षेत्रों में होने वाले टीकाकरण महाभियान को लेकर पैदल रैली निकालकर जिले वासियों को जागरूक किया गया। रैली में कोरोना वॉलेंटियर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क कर टीकाकरण के प्रति जागरूक किया। नगर में जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक उमेश पांडे की अगुवाई में 20 दिसंबर को होने वाले टीकाकरण महाभियान का लाउड स्पीकर के माध्यम से संदेश दिया गया। इस दौरान एसडीएम कमलेशपुरी, बीएमओ सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। ये है कि अब हमको अनूपपुर को 100% टीकाकरण करा लेना है। हमारे शहरी क्षेत्र अनूपपुर में 17,000 लोगों को टीका लगना है, 15,000 लोगों को लग गया है, 2,000 है और लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं, या तो बाहर चले जाते हैं या नहीं। तो हम सोमवार को एक बड़ा कैंप करने जा रहे हैं। हमारे 15 वार्ड हैं तो हम 30 टीमें बनाएंगे और हर वार्ड में 2 टीम रहेगी, जिसमें हमारे SDM साहब, CEO साहब, SDOP मैडम, तहसीलदार और नगर पालिका के सारे अधिकारी और शिक्षा विभाग, NRLM, NCC, जितने भी हमारे विभाग पहले से जुड़े हुए हैं, सब सक्रियता के साथ सोमवार को इसको कलेक्टर महोदया के निर्देशन, CEO साहब के देख रेख में किया जाएगा, जिससे हम 100% अनूपपुर को शासन के हिसाब से हम टीकाकरण करा सकें। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।